वेलकम टू माई चैनल तनसुमन क्लासेस सो क्लास सिक्स टूडे वी रीड चैप्टर नंबर इलेवन इन योर हिस्ट्री बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द गुप्त एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी आज हम गुप्त वंश के बारे में तो पढ़ेंगे ही साथ में हम उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी हम सब इस चैप्टर में रीड करेंगे जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने रीड किया था कि बाय द एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी एक पावरफुल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ जो था कुशाण वंश जो कि नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ और सातवांस जो थे वो डक्कन में एंड ऑफ द टाइम वो स्टैब्लिश हुए इट वॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द गुप्ता एमरिश द डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट टू सेंचुरीज और नेक्स्ट टू सेंचुरीज में अब गुप्ता एमरिज हो गए थे उनके हमारे बहुत सारे सोर्सेज से पता चलता है कि गुप्त पीरियड में इस समय आर्कोलॉजिकल और लिट्रेसी से सोर्सेज जो थे उनकी सहायता से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे इन्होंने मंदिरों में पेंटिंग्स में और इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला साथ ही साथ इनके कॉइन जो थे उनसे हमें पता चलता है कि उस समय इनकी स्थिति कैसे थी और लिटरेसी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो कालिदास और हुनैन तान सिंह के बारे में हमें पता चलता है उनकी बुक्स से हमें पता चलता है कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे एंड ही मैरिड कुमार देवी ठीक है जो लिच्छवी वंश के जो प्रिंसेस थी ठीक है अब हम बात करते हैं उसके बाद में कि किस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति जो हुआ करता था प्रयाग प्रशस्ती प्रेज किसी राजा को प्रेज करने के लिए उसकी तारीफ लिखने के लिए भी कवि होते थे और उस समय की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में बहुत सारे प्रशस्ति पत्र लिखे गए है ना और वो प्रयाग प्रशस्ति पत्र बहुत ज्यादा फेमस भी हुए क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ना वो बहुत काइंड हार्टेड हुआ करते थे ठीक है उनका नेचर जो था वो बहुत अच्छा था एक राजा के तौर पे बात करें कि समुद्रगुप्त की तो उन्होंने नेपाल आसाम और बंगाल तक जीत हासिल कर ली थी लेकिन उन्होंने उसको अधी, अधीन नहीं किया था उससे वो कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट लिया करते थे ठीक है और वो बदले में क्या करते थे उनकी हिफाजत करते थे अब चंद्रगुप्त जो सेकंड आए ना वो समुद्रगुप्त के बेटे थे जिनको कि हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं वो भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे देन आफ्टर उनके बाद अगर हम गुप्त पीरियड की बात करें तो कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जो थे वो भी पावरफुल हुआ करते थे लेकिन लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम समुद्र गुप्त द एम्पायर इज थ्रेटन बहुत टुकड़े हो गए थे बहुत बिखर गया था ये क्योंकि अब इंडिया में हुस आ गए थे हूं वो थे जो एक नॉमिदिक ट्राइब थी जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे और दे एंडेड द रूल ऑन ऑफ द डाइसिटी यानी ये एक तौर पे साफ साफ दिखता है कि ये इसके अंत के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे ठीक है ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में रीड किया सो द टूडेज टॉपिक इज द पोस्ट गुप्त पीरियड आज का टॉपिक जो है वो है पोस्ट गुप्त पीरियड अब गुप्त पीरियड के बाद में क्या हुआ था देखिए आफ्टर द एंड ऑफ द गुप्त पीरियड तो बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में चेंजेस भी आए तो इससे रीड करने से पहले हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और प्रेस द बेल आइकन आल्सो तो आपको इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का टापिक। और टापिक है किंगडम्स बहुत सारे, सारे पावरफुल करते थे अगर हम बात करें नॉर्थ की और साउथ की तो किंगडम जो था वो हर्ष जो थे उस समय बहुत ज्यादा डोमिनेट थे और वो थे नॉर्थ की तरफ और चालुक्यस जो है उनका शासन हुआ करता था दक्षिण दक्षिण में और पल्लवास का हुआ करता था दक्षिण भारत में ठीक तो है तो आज हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ में थे और ब्रेकअप द गुप्त एम्पायर वाज़ फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ द डिसऑर्डर स्मॉल किंगडम्स स्वॉट अगेंस्ट वन अनदर और जैसे ही गुप्त पीरियड की जो समाप्ति हुई ब्रेकअप हो गया जिस बहुत टुकड़े में वो विभाजित हो गया देन आफ्टर क्या हुआ बहुत सारे स्मॉल आ गए वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। Finally, क्या हुआ? जो है, उन्होंने किया all these kingdoms and establish a powerful empire. उन्होंने किया उन इकट्ठा किया और एक बहुत पावरफुल एम्पायर को खड़ा करा अब ये हमें कैसे पता चलता है इसके भी बहुत सारे sources हैं। ड्यूरिंग दिस रीजन फ्रॉम सोर्सेज सॉरी अगर हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की तो देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस फर्स्ट है हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र बायोग्राफी है रिटर्न बाय द बाण भट्ट इन संस्कृत यानी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी है हर्षवर्धन की जिसका नाम है हर्ष चरित्र उससे हमें पता चलता है कि कैसे हर्ष ने काम किया एंड द सेकेंड अगर हम बात करें कि उनके जो मिलिट्री हैं उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं

आठ साल तक रहे एंड ही हैज़ रिटन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दीज इयर्स और जो भी विकास काम हुए जो भी डेवलपमेंट्स हुए हर्ष के टाइम में वो सब इन्होंने इस बुक में लिखे हैं एंड ही रिटन अ डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट्स बिसाइड द सोर्सेस इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स एंड ऑल दिस टेल अस अबाउट द हर्ष हर्ष के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कॉइन्स से पता चलता है

गुप्त एम्पायर के बीच में और कन्नौज है कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपना कैपिटल बनाया था गंगा वैली अपन सेकंड बट वॉज डिफीटेड इन्होने चालुक्य किंग और पुलकिशन सेकंड पर भी आक्रमण करा लेकिन ही वॉज डिफीटेड

राजाओं को ही राज करने दिया गया लेकिन दे एक्सेप्ट हर्ष एज़ दे ओवररूल्ड एंड पेड हिम अ एनुअल ट्रिब्यूट यानी वो हर राजा को हर्ष जो है उनको सालाना कुछ ना कुछ वो उपहार के तौर पे देंगे और उनकी सेना का खर्चा भी वही उठाएंगे सो दे गिव हिम मनी एंड सोल्जर्स व्हेनेवर ही नीडेड देम और वो हर्ष को जब कभी भी जरूरत पड़ेगी अगर किसी युद्ध में सेना की तो वो उसको हेल्प करेंगे किसको राजा हर्ष को हर्ष अ पार्ट ऑफ आर्ट यानी जो हर्षवर्धन है वो बहुत शौकीन थे आर्ट के पार्टन थे बहुत ज्यादा शौकीन थे एंड पार्टन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग यानी उनको साहित्य कला है ना इसका बहुत ज्यादा शौक था ही वाज़ अ गुड राइटर हिमसेल्फ और जबकि वो एक बहुत अच्छे राइटर भी हुआ करते थे ही रॉट थ्री प्लेज इन संस्कृत और जो राजा हर्ष हैं, उनको लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था साथ ही साथ इन्होंने अपने द्वारा लिखे हैं तीन प्लेज लिखे हैं और वो है रत्नावली प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। ठीक है तो आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि राजा हर्ष के थ्री प्लेस का नाम लिखिए जो उन्होंने संस्कृत में लिखा है ठीक है स्कॉलर सच एसबान भट सबु नंदु एंड द दन दिन 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 लेट इन हिज कोर्ट और जो स्कॉलर्स से बाहर से आए हुए जो लोग थे वो भी यहाँ रहते थे और साथ ही साथ में द अर्ली इयर्स हर्ष वाज अ वर्शिप ऑफ द शिवा बट लेट ही बिकेम अ बौद्धिस्ट देखिए राजा हर्ष जो है वो शिव भगवान के बहुत ज़्यादा

टू यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा और नालंदा यूनिवर्सिटी को पैसे को डोनेट किया दूनिवर्सिटी एंड अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग आपको पता है नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ना वो उस समय की फेमस लर्निंग सेंटर हुआ करता था और आपको एक चीज़ और होगी कि हुनेन तान सिंह ना उन्होंने भी यहाँ पे बौद्धिस्ट टैक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही हुनेन तान सिंह ने बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे रीड करे आपको पता है जो जैसे कि आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ में कभी एडमिशन होता है तो काउंसलिंग होती है एग्जाम होते हैं ठीक उस समय में भी ऐसा हुआ करता था और हुनेन तान सिंह जो लिखते हैं

हॉस्पिटैलिटी यानी हॉस्पिटैलिटी में भी बिलीव करते थे आदर सत्कार करते थे दे लिव टुगेदर पीसफुली मोस्ट पीपल आर वेजिटेरियन एंड अवॉइडेड इवन अनियन एंड गार्लिक यानी बहुत सारे लोग जो थे वो वेजिटेरियन हुआ करते थे इवन वो लहसुन और प्याज को भी नहीं खाते थे हुनैदान सिंह नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिग्रिड कास्ट सिस्टम

उनको सिटी के बाहर रखा जाता था अब चालुक्यस की बात करें तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सातवाहंस मेनी स्मॉल किंगडम्स अक्रॉस इन द डेक्कन जैसे ही सातवाहंस का डिक्लाइन हुआ अब बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स आ गए थे तो द बादकास जो है वर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज एंड दे हैव रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड दे हैव सक्सेड बाय द चालुक्यस देयर कैपिटल वाज वातापी ठीक है और इनका जो साथ ही साथ में अगर हम बात करें इनके कैपिटल की तो था वो था बैतापी ठीक है चालू क्या इसका अब नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो नालंदा इज इन बिहार नालंदा जो है वो बिहार में है एंड द यूनिवर्सिटी है गुप्त रूलर्स गुप्त रूलर्स के द्वारा ये स्टैब्लिश करी गई थी द चीफ पार्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज द किंग हर्षवर्धन के द्वारा ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी द यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड आप यू भी अमेज आपको uh, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है फैक्ट है कि उस समय में एक फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, था पूरे वर्ल्ड में एंड टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स एंड टू थाउजेंड टीचर्स लिव देयर एंड इट वॉज अ यूनिवर्सिटी मीन ओनली फॉर द मैन स्टूडेंट्स हु वॉन्टेड टू जॉइन द यूनिवर्सिटी फॉर इंटरव्यूड बाय द सीनियर मॉन्स द्वारा उसको एडमिशन देते थे सो सब्जेक्ट टॉट इंक्लूडिंग बौद्धिस्ट, साइकोलॉजी लॉजिक ग्रामर सब्जेक्ट्स एक साथ उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज स्प्रेड ओवर थ्री बिल्डिंग्स वन ऑफ द रत्ना सागर और उन्हीं में से एक बिल्डिंग था रत्ना सागर विच मीन्स एन ओशन ऑफ जैम्स

उस समय के जो रवि कीर्ति जो पोएट हुआ करते थे चालुक्यास के उनसे हमें पता चलता है कि पुलकेसिन जो सेकंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे बहुत ज्यादा फेमस होते थे एंड ही इन्फॉर्म्स अस द किंग डिफीटेड हर्ष एंड चग हिज एडवांस इनटू द डेक्कन पुलकेसिन सेकंड आल्सो रिग्रेट द ऑफ द पल्लवस ही डिफीटेड द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट माना जाता है कि जो रवि कीर्ति हैं वो उनकी प्रशस्ति में लिखते हैं कि इन्होंने हर्ष को भी हराया और साथ साथ पल्लवा किंग जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं उनको भी पराजित किया था पुलिस एम्बेसी टू द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ परसिया और पुलकिशन सेकंड जो है वो उन्होंने एम्बेसी स्टार्ट करी थी और साथ ही साथ में उसके बारे में पता चलता है पर्शिया के जो राजा थे खुसरो शाह के द किंग ऑफ पर्शिया है ना उनसे भी इनके संबंध हुआ करते थे उन्हेन दानसिंह ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन सेकंड उन्हेन दानसिंह पुलकेशिन सेकंड के काल में भी रहे और साथ ही साथ ही आल्सो टूड द कंट्रासाइड एंड इंप्रेस्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और साथ ही साथ में चालुक्यास बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ पुलके सेकंड और चालुक्यास जो हैं वो पुलकेषन सेकंड की मृत्यु के बाद में थोड़े से वीक हो गए थे देन आफ्टर राष्ट्रकुट्स रिप्लेस देम और उसी समय में जो राष्ट्रकुट्स हैं वो रिप्लेस कर गए उनको ठीक है अब हम पढ़ते हैं पल्लव के बारे में देखिए पल्लवस जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कांचीपुरम यानी कांची नियर चेन्नई में रहा करते थे और महेंद्र वर्धन जो है एंड नरसिम्हा वर्धन जो वर्धमान है वो यहाँ के पावरफुल रूलर हुआ करते थे उस समय के और अगर हम बात करें नरसिम्हा वर्मन जो फर्स्ट है डिफिटेड पुलिकेशन पुलकेशन सेकंड को किसने हराया था उनको हराया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने एंड कैप्चर्ड बैतापी जो बैतापी जो कि इनकी राजधानी था ठीक है चालू क्या की उनको हराकर अपने अधीन कर लिया आफ्टर द विक्ट्री ही टूक द टाइटल ऑफ द बैतापी कोंडा एंड द कंक्लूड ऑफ द बैतापी ही आल्सो लीड सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन टू द श्रीलंका माना जाता है कि ये श्रीलंका तक पहुंच गए थे यानी श्रीलंका तक इन्होंने जीत हासिल कर ली थी कॉन्टीनेंस जो मिलिट्री कॉन्फ्लेंस हुआ करते हैं ना वो बहुत ज्यादा चलते रहते थे और उसी वजह से इनकी जो सेना है वो भी कमजोर हो रही थी द रूल इज एंडेड बाय द इन द नाइन सेंचुरी और नाइन्थ सेंचुरी में चोला ने इनको कमजोर कर दिया था अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द पीरियड ऑफ द अकाउंट ऑफ द दुनेान सिंह तान सिंह और फाहन के हिसाब से अगर हम बात करें कि ये इनकी बुक से पता चलता है द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन

और जो विलेज हुआ करता था उसके हेड जो होते थे वो गांव के प्रमुख मुखिया ही होते थे जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती थी, लुक आफ्टर विलेज रेवेन्यू की बात करें तो देखिए रेवेन्यू जो है ना एग्रीकल्चर वॉज ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ टाइम इसलिए जो रेवेन्यू था वो अधिकांश एग्रीकल्चर सही में

तो जो रेवेन्यू है वो मर्चेंट से भी लिया जाता था क्राफ्ट मैन से भी लिया जाता था और साथ ही साथ में ये पैसा कलेक्ट करके एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अच्छा 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 जाता था दे ग्रांट एंड द आर्मी टू मेंटेन आर्मी ऑफ द हॉर्स एलिफेंट चौर फुट शोल्डर्स रिक्वायर लॉट ऑफ मनी आपको पता है जैसे हमारी गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं ना तो वो क्या करती है हमारे लिए वो हमारे लिए रोडवेज बनाती है रेलवेज बनाती है ठीक है हमारे लिए ब्रिजेस बनाती है हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट स्कूल्स स्टैब्लिश करती है है ना हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई करती है ठीक उसी तरीके से उस समय में जो आर्मी हुआ करती थी उसके भी सारे खर्चे इन्हीं टैक्सेस के द्वारा मेंटेन किए जाते थे अपनी फ्यूचर्स की बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंट उस समय हो गए थे और वो डेवलपमेंट क्या थे एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था लोकल ऑफिसर्स वर इंडिपेंडेंट टू सेंट्रल कंट्रोल अब क्या हो गया था जो कंट्रोल हुआ करता था सेंटर का अब डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे दे टूक डिसीजंस ऑफ देयर ओन अब वो खुद डिसीजन लेने की क्षमता रखने लग गए और कहीं ना कहीं क्या था ये चीज अच्छी भी थी लेकिन इन द द रीजन रूल बाय टू लोकल असेंबलीज और दो लोकल असेंबली हुआ करती थी ऊर एंड सभा दे देर ऑल्सो सब कम्युनिटी और सब कमिटी होती थी दे लुक आफ्टर द रूटीन मैटर ऑफ द विलेज सच एज डिगिंग ट वाटर टू द फील्ड एक्सेट्रा आपको पता है जो बहुत सारे जो सोशल वर्क करे जाते हैं जैसा कि विलेज में है ना विलेज में क्या करे जाते थे विलेज में डिगिंग ऑफ द वैल्स होते थे है ना कंस्ट्रक्शन टैंपल्स होते थे रोड बनाई जाती थी पानी के लिए प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे काम करे जाते थे तो ये सब काम भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आते थे एंड सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बिकेम हेरिडिटरी और कुछ हेरिडिटरी हेरिडिटरी इट मींस यहाँ पे हेरिडिटरी का मतलब है वंशानुगत यानी राजा से वापस उनके बच्चों को ही मिलता था और वो क्या होते थे ऑन द मेनी ऑकेशंस द सन सक्सेड टू द पोस्ट अल बाय्स फादर फादर की जगह बच्चे को गद्दी पे बैठाया जाता था तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर केम टू टे दैंड ग्रफ द कैश और अब क्या हो गया था ऑफिसर्स जो है ना उनको जमीन के बदले अब कैश भी दिया जाने लगा था इंसेंट ऑफ द कैश जमीन दी जाने लगी द ऑफिसर्स द एक्सेप्ट ऑफ द कलेक्टर रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड एंड दे मेड देम इवन मोर इंडिपेंडेंट इवन दे वॉज अ वीक रूलर एट देंटर दे ब्रुक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर दैम सेल्फ इंडिपेंडेंट और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि राजा की जो था ना डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था उसकी वजह से क्या हुआ अब राजा का जो अधिकार है राजा उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया क्यों क्योंकि अब राजा ने उनको जमीनें देनी शुरू कर दी थी है ना टू बी पेड इन लैंड ग्रांट्स हो गए थे है ना इंस्टेंट ऑफ कैश तो धीरे धीरे करके उनके पास बहुत सारी ज़मीनें इकट्ठी हो गई और उन जमीनों का रेवेन्यू भी वही लेने लग गए धीरे धीरे उन्होंने जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा हुआ उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और दे वॉज अ वीक रूलर एट द सेंटर और जैसे ही सेंटर में रूलर वीक होता था दे ब्रोक अवे फ्रॉम हिज कंट्रोल वो राजा के कंट्रोल से दूर हो जाते थे एंड क्लियर इंडिपेंडेंट और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू